हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टर्गुडिन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं लास्ट सुपर आईकास वर्सेस बोटानिकल गार्डन रेंजर्स टी टेन मैच प्रीव्यू। तो यहाँ पर ये विंसी टी टेन विंसी प्रीमियर लीग का टी टेन लीग का जो फाइनल मैच है ये रहेगा इन दोनों टीम्स के बीच में। तो यहाँ पर एक ही वेन्यू है जो जिसमें पहले से लेकर अभी फाइनल तक सारे के सारे मैच खेला जाए है। वेदर रिपोर्ट की बात करें बिल्कुल क्लियर रहेगा, यहाँ पर रात को 12 बजे ये मैच होगा। पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पर आपको पता ही है कि पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लो और मतलब ड्राई हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहा है, फास्ट बॉलर से मतलब लेकर यहाँ से स्पिनर को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिल रहा है। तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 51 टाइम्स जीता है लास्ट 92 गेम्स में। तो यहाँ पर अगर आपको ये टी टेन लीग तो ख़त्म होने वाला है, अगर इससे बात आईपीएल से लेकर सारे के सारे लीग जो हम कवर करेंगे, आने वाले सारे जो सीरीज इंटरनेशनल मैचेस हम कवर करने वाले हैं, तो अगर आपको सारे के सारे डिटेल्स अपडेट्स चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम के साथ चैनल के साथ अभी के अभी जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जाकर लिख के टारगेट इन फैंटेसी, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे ELSH की बात करें, प्रोबेबल प्लेइंग 11 की लास्ट सुपर हाइकर्स। ये फ्रेंचाइज सॉरी ये टीम जो है ये मतलब इस लीग का सबसे सक्सेसफुल टीम है अभी तक। ये टीम ने पिछला सीजन में भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिया था, इस सीजन में भी दिया है, फाइनल में गया है। यहाँ से बात करें डी मलोनी, डी डॉगलास, ओ लिविस, जी पोप, के हॉच, आर विलियम्स, जे लेन, एन स्मॉल, जे वॉल्टर, ए थॉमस और यहाँ से के स्ट्रॉ खेलने वाले हैं। RBB इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि शायद के स्ट्रॉ खेल जाए इस मैच को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इन टीम के लिए ओपन करेंगे के हॉच और जी पोप। आपको शायद लगा होगा कि यहाँ से ऐसा क्यों है, तो फ्रेंड्स आपको एक बात बताओ कि टी टेन लीग में आपको पता ही है जिन जिन भाइयों ने खेल रहा है कि यहाँ पर कभी कभी ओपन ऑर्डर मतलब कंसिस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर हर टाइम चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर डेथ बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो जे लेन एंड स्मॉल आपके लिए रहेगा, यहाँ से ओपनिंग बॉलिंग जो रहेगा यहाँ से ओ लिविस और के हॉच दो दो चार ओवर आपको पहले डालते हुए देखेंगे। यहाँ से के स्ट्रॉ भी आ सकता है डेथ में, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से बात करें BGR बोटानिकल गार्डन रेंजर्स की, तो लास्ट मैच में एक बहुत ही मतलब नेल बाइटिंग फिनिश जिनको हम बोलते हैं, टी पोप ने लास्ट बॉल में एक अच्छा शॉट लगाकर इन्होंने मैच को जिता दिया था। यहाँ पर बात करें के डेम्बर, के कोटोई, के विलियम्स, एम जोसेफ, एस ब्राउनी, आर ब्राउनी, एल एडवर्ड्स, डब्ल्यू हरपर्ट, डब्ल्यू सैमुअल, यहाँ से के विलियम्स और ए सैमुअल इन दोनों में से कोई एक खेलने वाले हैं, यहाँ से ई गिब्सन और टी पोप में से कोई एक खेलने वाले हैं। मुझे लग रहा है टी पोप को खिलाना चाहिए क्योंकि लास्ट मैच में मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मैच जीता था, जैसे कि इनको टीम में आगे जगह मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें यहाँ से जो डेथ बॉलिंग ऑप्शन की, यहाँ से आपके लिए डेथ बॉलिंग ऑप्शन को मिलेंगे डब्ल्यू सैमुअल, यहाँ से के विलियम्स, यहाँ से के डेम्बर को भी एक आध ओवर मिल सकता है। यहाँ पर ओपन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो आर ब्राउनी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर ए सैमुअल आपको मिल जाएंगे, टी पोप भी मिल जाएंगे। तो अभी बात करें स्मॉलिंग में कौन कौन से प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, यहाँ से अगर बात करें डी मलोनी, डी डॉगलास, ओ लिविस, जी पोप, के हॉच, आर विलियम्स, पहला सिक्स प्लेयर जो पाँच छः आप अगर आपको चाहिए तो आप 7-4 भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ELSH की तरफ से 7 को लेकर। अगर 6-5 भी ऑप्शन चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं, क्योंकि 5-6 या 4-7 कभी मत बनाइए, मतलब ऐसा कोई रिवर्स मत कीजिए, क्योंकि BGR के से ज़्यादा चांसेस है ELSH ए मैच को जीते, क्योंकि ELSH BGR से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि BGR के पास बोटानिकल गार्डन रेंजर्स के पास अभी जो इनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आंद्रे फ्लेचर वो अभी नहीं है, स्पाइसमैन बोलता है जिनको, वो अभी नहीं है, अकेला ही बैटिंग बॉलिंग सब कर देते थे लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ELSH जीतने वाले हैं। तो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर आपके स्मॉलिंग का टीम में मास्ट पिक रहेगा ये आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ग्रैंड लीग की बात करेंगे हम। तो यहाँ से ग्रैंड लीग की बात करें तो जे लेन एन स्मॉल यहाँ से आपके लिए रहेगा, के स्ट्रॉ और जी पोप इन और डी मलोनी भी कैप्टनसी वाइस कैप्टन की चॉइस में रहेगा आपके लिए। यहाँ से के विलियम्स, एम जोसेफ, एस ब्राउनी, और एस ब्राउनी ओपनिंग करता है, इनके पास अगर टाइम मिले तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेल सकता है, लेकिन इनको अभी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से डब्ल्यू सैमुअल हर मैच में बॉलिंग करके एक दो करके विकेट निकल रहा है, तो ये भी आज के आपके लिए आज का एक अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टन का ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं डी मलोनी की तरफ, टीम देख लेते हैं अभी हम आपके लिए जो टीम बना के रखा है। यहाँ से ऑप्शंस की बात करें विकेट कीपिंग ऑप्शन ऑप्शंस में आपको तीनों ही मिल जाएंगे, जी पोप, डब्ल्यू हरपर, एस ब्राउन। फिलहाल हमारे लिए टीम में रहेगा जी पोप और एस ब्राउन। यहाँ से आपके लिए
मिल जाएंगे डी मलोनी, ए सैमुएल, के डेम्बर, एच एम जोसेफ, जे वॉल्टर्स, ए थॉमस, ई गिब्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे टीम में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे, डी मलोनी रहेंगे, के डेम्बर रहेंगे और एम जोसेफ रहेंगे। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से के हॉच, डी डॉगलास और के कोटे मस्ट पिक रहेगा आपके लिए। अगर चाहिए तो यहाँ से ओ लुइस को भी ले सकते हो, ओ लुइस को भी ले सकते हो। तो यहाँ से फिलहाल हमारे टीम में रहेगा के कोटे। तो अभी बात करें यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे टीम में रहेगा आर ब्राउनिंग, के स्ट्रॉ और यहाँ से रहेगा एन स्मॉल। आप चाहिए तो एन स्मॉल की जगह यहाँ पर जे लेन, ये इनको भी ले सकते हो, आर बीबी को ले सकते हो, डब्ल्यू सैमुएल को भी ले सकते हो। तो फिलहाल ये टीम रहेगा हमारे, हमने 6-5 के कॉम्बिनेशन बनाया अभी। अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए अभी के अभी, और वहाँ से फाइनल टीम का सजेशन देखकर आप खुद की एक अच्छी टीम बनाएं और अच्छे से विनिंग कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आपकी जो कैप्टनसी वाइज का ऑप्शन रहेगा तो केवम हुआ जो डीरो क्लास रहेगा, आपको एक बार फाइनल प्रीव्यू दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ये रहेगा आपके लिए अभी के लिए टीम, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।